जी अब आगे मूव करते हैं और जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमने देखा हमारी एंकर्स में सिंगिंग का काफी अच्छा टैलेंट है, तो अब मजीद जानते हैं कि क्या ये हमारी जो एंकर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, प्रोग्राम एंकर्स हैं, इनमें एक्टिंग का भी टैलेंट है या नहीं। तो बताएं किसमें एक्टिंग का टैलेंट मौजूद है। हम बुजुर्गों से स्टार्ट करते हैं, नहीं नहीं मैं कह रही हूँ बुजुर्गों से स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब आपका? नहीं नहीं मतलब लाइक सीरियसली स्टार्ट करें आप अपने उल्टे हाथ से एक्टिंग। अब मैं उल्टे हाथ से एक्टिंग। अच्छा मैं सबको लाइन देती हूँ, प्लीज अब मुझे कोई इंटरप्ट ना करे, ठीक है? मैं आप सबको एक लाइन देती हूँ जिसे आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है तीन चार वेरिएशन में। कौन कौन से वेरिएशन होने चाहिए? सैड, हैप्पी, इमोशनल और एग्रेसिव। रोमांटिक या एग्रेसिव? रोमांटिक। रोमांटिक पांच होने चाहिए, पता चले ना कि हम एंकर्स रोमांटिक भी होते हैं। जी ये सही कहा, पांच वेरिएशन होने चाहिए, ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले आमना की तरफ, पहले किसी और की तरफ। इतना चलिए पहले इन्होंने दम देता है वो बोलो। चलो जी एस देखदा, एस देखदा पास चुकने आ जी समरीन, ये पांच वेरिएशन है। अच्छा वो वेरिएशन मैं बोलूं चार है, वैसे चार बोल लेते हैं हम, पांच ज्यादा लंबी हो जाएंगे। अच्छा चार कर लेते हैं, बोल लेती हूं जरूर। इनके ना इंप्रेशंस के ऊपर ऐसे करके कैमरा लेकर आए ताकि ये बेचारी नजर आए, रिश्ता रुश्ता मिले तो वो भी इनके लिए लेकर आए। लाइन बोले उनका पहले ही हुआ होगा, इतनी शादी की जल्दी नहीं है, इनको करवाने की ज्यादा जल्दी है। मैं कह रही हूं तो फिर वो ज्यादा बेधड़क होकर सबको कहते हैं मैं कह रही हूँ कि बच्चे ना लेके आवा। नहीं बच्चे ऐसी भी कार छड़ के आने हैं, तुसी भी कार ही छड़ के आना, ऐसा भी छड़ जाना है। अच्छा आगे चल। अच्छा जी डायलॉग कोई लव से नहीं बताए जी, एक सेंटेंस है आई लव यू, उसको आपने चार वेरिएशन में बयान करना है और वो चार वेरिएशन वन बाय वन मरियम इकराम बताती जाएंगी। क्लोजअप होना चाहिए समरीन की तरफ। जी समरीन एंगर, आई लव यू, सैड, फनी, आई लव यू, रोमांटिक। नहीं नहीं रोमांटिक तो उसके बहुत करीब थी। अब चलते हैं हिरा की तरफ। तू नहीं होगा मुझे लग रहा है, मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं क्या? नहीं नहीं ये कहना है मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं क्या? सैड, मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं क्या? फनी, मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊं क्या? रोमांटिक, तुम्हारी खातिर मर जाऊं क्या? ये रोमांस था, मुझे रोमांस नहीं आता, मैं रोमांटिक नहीं हूं। मैं रोमांटिक नहीं हूं। नहीं आमना की तरफ, आमना की तरफ ठीक है। क्या बोला? मैं तुम्हारे से, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। एंगर, ये गुस्से में बोलना, गुस्से में बोलना। आमना बोलेंगी गुस्से में, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सैड, फनी, रोमांटिक। रोमांस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता लेकिन ट्राई करती हूं। आंखों से तो इतना आता है, वो टिकटॉक की हरकत आता है, आंखों से, आंखों से जो है इशारे चलते हैं वो है। रोमांटिक नहीं, इसको रोमांटिक कैसे कहूंगा? मैं कह रही हूं कि मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसे हाथों में आके आके फर्ज करो मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसे शादी नहीं कर सकती, कुछ और कर सकती, बड़े फील करके उसे इनकार करना है भाई, जान छोड़ दे। ओके ये वाला हाथ पकड़ लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो फिर हाथ क्यों फड़ाया थी? हाथ फड़ा के कह रही है मैं शादी नहीं कर सकती, मतलब की है तेरा जुमला? और तो की कर सकती है। अच्छा कोई और आप जुमला बोल दे मेरे लिए कि जो मैं आखिरी वाला जो है वो रोमांटिक, वैसे इन्होंने इनकार ही बांधा है। हां कोई हाल नहीं, ठीक है क्योंकि वो जी अब किसकी तरफ बढ़े हैं? आपकी तरफ जी। इनके लिए कोई डायलॉग, पहले सेंटेंस बताएं। सेंटेंस मैं बताती हूँ, क्या मैं खूबसूरत नहीं? या पूछ रही है? नहीं, नहीं। अच्छा वेरिएशन चैलेंज ही सबसे पहले, चैलेंज सबसे पहले आपने एंगर में कहना है, क्या मैं खूबसूरत नहीं? सैड, नहीं। क्या मैं खूबसूरत नहीं? फनी, क्या मैं खूबसूरत नहीं? रोमांटिक, क्या मैं खूबसूरत नहीं? गुड एक्टर, बेटी किसकी है भाई? बिल्कुल
थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अनुषा खान की तरफ। अनुषा को कोई बच्चे वाला डायलॉग बताया जी, मम्मा मैंने लॉलीपॉप काटा है। बच्ची यार मैं यही कह रहा, आई एम नॉट बच्ची, आई एम पक्की। मुझे एक्टिंग इतनी आती नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई। एक मिनट, आप पंजाबी बोल लेती हैं? थोड़ी बहुत। मेरा दिल कर रहा है बर्गर खावा। रोमांस में बर्गर की बर्गर नहीं, कोई भी, मेरा दिल कर रहा है आज मैं बर्गर खावा। एंगर, मेरा दिल कर रहा है आज मैं बर्गर खावा। हाँ एंगर, मेरा दिल कर रहा है आज मैं बर्गर खावा। सैड, फनी, मेरा दिल कर रहा है आज मैं बर्गर खावा। रोमांटिक, किंजा की तरफ मूव करते हैं। क्या डायलॉग होना चाहिए जो किंजा बोले? इनके गेटअप के हिसाब से होना चाहिए जी। आप लोग बताए ना, मुझे तो ऐसे उस्ताद मान लिया। मैं इन्होंने बताया था तो ये फेंक रही थी क्या मैं हीरोइन हूँ। मैं हीरोइन हूँ। चले जी यही डायलॉग, मैं हीरोइन हूँ। चलो कैमरे की तरफ बोलो ना, जो मैं हीरोइन हूँ। चलो कुछ और बताओ। मैं तुम्हें नहीं, अपनी खाला के बेटे को पसंद करती हूँ। खाला का बेटा तो इसी फायदा हो गया ना, मतलब खाला का रिश्ता लेके पहुंच जाना सी। ये भी अच्छा सेंटेंस है, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? नहीं खाला वाला बहुत अच्छा। खाला बेटे से शादी करनी चाहिए कि फूफी के बेटे? ये सवाल नहीं आप बता रही। एक चुटके सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? ये तो साड़ी का असर है, आप आगे निकलो। मैं पूरे अच्छा डायलॉग क्या था फाइनल का बताओ भाई। डायलॉग इनका वही था जो अभी खाला के बेटे वाला था। मैं तुम्हें नहीं, अपनी खाला के बेटे को पसंद करती हूँ। एंगर, मैं तुम्हें नहीं, अपने खाला के बेटे को पसंद करती। सैड, मैं तुम्हें नहीं, अपने खाला के बेटे को पसंद करती। फनी, मैं तुम्हें नहीं, अपने खाला के बेटे को पसंद करती। रोमांटिक, सर रोमांटिक, मैं तुम्हें नहीं, अपने खाला के बेटे को पसंद करती। क्या करनी चाहिए मेरे नाल? खाला का होता बेटा तो शायद दो। मरियम इकराम की तरह मूव करते हैं मरियम इकराम की तरफ, और इनका भी बड़ा क्रिस्पी किस्म का डायलॉग होना चाहिए। हाँ, इनको पिज्जा खिला दो। इसको रोमांटिक में कैसे डिलीवर करोगी? फूड ब्लॉगर साहिबा। अच्छा अब चीजें कौन बताएगा कौन सा वाला पहले? एंगर, एंगर, एंगर सेट, फनी और रोमांटिक। इसको बोल दो आपस से गाले। मतलब जब से प्रोग्राम शुरू हुआ काफी बार से हाथ लगा चुके हैं, मुझे बचाओ। इस सेगमेंट के बाद वैसे ही आप आ जाएंगे। सबसे पहले एंगर में करना चाहिए। हाँ पहले एंगर, सबसे पहले एंगर में जी करते। मैं तेनू खा जावा। अच्छा सैड जी करते। मैं तेनू खा जावा। फनी जी करते। मैं तेनू खा ही जावा। एंड रोमांटिक जी करते। मैं तेनू खा जावा। जी हाँ जी, खा खा के रजिया नहीं है कुड़िया, रोजे रखे हैं सबने और अब रोजों की कसर पूरी कर रही है यहाँ भी और घर जाकर भी। अभी तो हम आमना के घर जा रहे हैं ना, आमना हमें खिलाने वाली है बिरयानी अपने मामा के हाथ। बिरयानी भी और आप जो भी।